वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम है फ्रेंड्स, ते अपने चैनल से। उम्मीद कर दी तो सारे ठीक ठाक होवोंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अज मैं तुहाडे नाल लै गई हाँ पालक की एक अजिही रैसपी जिहड़ी खाण दे विच भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है। तो मैनू उम्मीद है भी तुसीं पहलां कदे भी इस तरह यह ट्राई नहीं करे होवेगी। पनीर की सब्जी नूं भी यह पिछे छड्ड दईए। स्टार्ट करते हैं जी रैसपी। हाँ जी फ्रेंड्स, इतने दो गुटियां आप पालक दियां साफ कर लिया ने, तो आप इन्होंने चंगी तरह के वॉश कर लवेंगे। इधर आप दो गिलास के करीब पानी गर्म करने लिए रख दिता है। तो पानी गर्म होने आप इस पालक है जी पा दी है इदा ही, तो इसनों आप दो तो तीन मिनट के लिए पकावे। हाँ जी फ्रेंड्स, देखो दो तो तीन मिनट हो गए हैं, तो अपनी पालक का कलर भी चेंज हो गया। हुण आपां पानी तो बाहर कढ लवेंगे इसनों, तो आप इसनों ग्राइंडर दे विच पा देवे, क्योंकि आप इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंडर के ही आप दो हरिया मिर्चा तोड़ के इस पा देवे, तो चंगी तरह के नाल इसे ग्राइंड कर लवेंगे। देखो जिहड़ा पेस्ट अपना इस पिया साइड से आप बाउल कढ़ लिया, तो थोड़ा जिहा पेस्ट आप ग्राइंडर के रख दिता। उस टमाटर थोड़िया जिहा कलियां लसन तो अदरक दियाँ पा के आप ग्राइंड कर लवेंगे। तो इधर जिहड़ा अपना पालक का पेस्ट, उस मैं दो वड्डे चमच के करीब आप बेसन पाया वा, तो अद्धा चमच मैं नमक का पा रही हाँ। इस दा टेस्ट आ जिहड़ा बहुत वधिया आएगा, नमकीन जे हो जाएंगे जेडे आप क्यूब्स बनावे। तो चंगी तरह के नाल आप पालक के बेसन मिक्स कर लेना। तो यह वाला जो घोल अपना थिक वा, इसको आप थिक नहीं रखना, आप इसनों थोड़ा पतला कर लवेंगे। तो इदा करके अद्धा गिलास के करीब मेरा इधर पानी पै जाऊगा, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इस बैटर में रेडी कर लवेंगी। तो बैटर ये वाला आप ना तो आप ज़्यादा संघना रखना है, तो ना ही आप ज़्यादा इसको पतला करना है। देखो इदा की अपन कंसनट्रेंसी चाहिए है। देखो जी इदा का अपन बैटर तैयार होना चाहिए। तो हम आप जो वाला अपना वाला बैटर है ना पालक का बेसन का, तो इसको आप एक साइड से प्लेट के कढ लवेंगे। तो चंगी तरह के नाल आप इस विछा देवे, जिदा आप बर्फी के टुकड़े कटते हैं उस तरह के नाल ही आप इस विछा देना वा इस। हाँ जी देखो चंगी तरह के नाल जो अपना पालक के बेसन सैट हो गया। तो इधर अपना तेल गर्म हो गया वा, तेल गर्म होने मैं इस पाँच तो सात कालियां मिर्चा साबत, तुम इस तेज पत्ता बड़ी इलायची होर भी खड़े मसाले पा सकते हो। एक चमच मैं इस जीरे का पा रही हूँ, तो थोड़ी जी मैं इस पावगी हिंग। हिंग के नाल अपनी जी सब्जी का जोड़ा टेस्ट आ बहुत ही वधिया आएगा। तो हूँ मैं इस पावगी एक मीडियम साइज का बरीक कटिया हुआ प्याज, तो प्याज में आप लाइट ब्राउन होने तक आप चलाते हुए भुन लवेंगे। हाँ जी देखो आप इदा चलाते हुए प्याज में भुन लेना वा, तो प्याजा का जड़ा का कलर अपना लाइट ब्राउन हो गया। हूँ मैं इस एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चमच मसाला, तो एक चमची मैं हल्दी का पा रही हाँ। तो इन्होंने मसालों पर चंगी तरह के नाल पका लवेंगे। तो हूँ नाल ही मैं इस जी आप टमाटो तो पालक की प्यूरी तैयार करी सी वो इस ऐड कर देवे। तो इसमें एक तो डेढ़ मिनट के लिए सेक लगन देवे, तो थोड़ा जि आप पानी आ जरा ग्राइंड में लगा हुआ वो पा देवे इस। हाँ जी देखो पानी पा के आप इस चंगी तरह के मिक्स कर देना वा। तो हूँ इस स्टेज पर आके आप इस छोटी जी कटोरी रख देवे। हाँ जी देखो, तो इस तरह कटोरी रख के तो उपर तुम बड़ा ही बचा के जी इस प्लेट रख देनी है, भी गर्म ना लग जाए तुहाडे हाथ नूं। जिहड़ा आपां इह पालक ते बेसन का पेस्ट तैयार कर रहे सी, इसनूं आपां चार तो पाँच मिनट लई मीडियम फ्लेम ते पका लिया। तो देखो अपना जिहड़ा इह पेस्ट है फ्लफी हो गया वा, तो चंगी तरह नाल सैट भी हो गया। तो कौली है जिहड़ी आपां धो के बाहर कढ लवांगे, क्योंकि आपां ग्रेवी थोड़ी पतली करनी है। हाँ जी देखो कौली नूं भी आपां धो लिया वा, तो आपां मसाले नूं हुण चंगी तरह दे नाल चला देवांगे। तो जिन्ना क तुहानूं लोड़ आ लोड़ दे मुताबिक तुसीं ग्रेवी बना लैणी है। हाँ जी देखो चंगी तरह के नाल पका लिया, तो मसाला अपना बिल्कुल पक के रेडी हो गया वा। तो मैं इस अद्धा गिलास के करीब भी मैं इस पानी ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। तो हूँ मैं इस पा रही हूँ अद्धा चमच नमक का, तो जिन्ना चर अपनी ग्रेवी तैयार होंगी उन्ना चर आप क्यूब्स अपने कट लेने पालक के ते बेसन के। हाँ जी देखो तुम क्यूब्स जी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट सकते हो, जे अगर थोड़े तुम वे रखना चाहते हो क्यूब्स तो वे रख सकते हो। मैनू उम्मीद है तुम्हें मेरी अज की रैसपी पसंद आऊगी। ये वाली सब्जी खा के पनीर की सब्जी तो भी ज़्यादा टेस्ट आता, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है। तो इधर अपनी ग्रेवी भी जी तैयार हो चुकी है। हूँ आप जो पालक के बेसन के क्यूब्स कट्टे से आप कर देवे अपनी ग्रेवी के एड, तो इसनों एक मिनट के लिए सेक लवा के
ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਵ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।